इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। भुवनेश्वर में चल रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम ने नेताओं को नसीहत देते हुए कहा है कि वो बड़बोलेपन से बचें। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि ईवीएम का नया मुद्दा इजाद कर दिया है, मैन्युफैक्चर कर दिया है इस नए मुद्दे को, और सरकार में बैठे लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। यानी इशारा और हमला आम आदमी पार्टी की तरफ, जिनकी सत्ता दिल्ली में है, और कांग्रेस की तरफ भी, जिसने ईवीएम का मुद्दा उठाया लेकिन पंजाब में जीत दर्ज की है उसी ईवीएम के सहारे। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। विकास, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो कई बातें पीएम ने कही, उसमें जो सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा है इन दिनों भारतीय राजनीति में ईवीएम का, उसे लेकर पीएम का यह बड़ा बयान कि अब विपक्ष मैन्युफैक्चर जो करता रहा है मुद्दे, उसमें नया मुद्दा ईवीएम का है। या बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह स्टाइल है कि जो भी मुद्दा विपक्ष, जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर होता है बीजेपी पर या केंद्र सरकार पर, उस पर वो तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। और आज जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी तो उन्होंने अपने नेताओं के बीच ये अपने बड़े नेताओं के बीच पार्टी के ये कहा कि विपक्ष कहाँ से फैक्ट्री में मुद्दे बनाता है, ये उनके समझ से विकास आपकी आवाज हम तक सही तरह से नहीं पहुंच रही है, लेकिन विकास भदौरिया ये जानकारी देते हुए कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवीएम के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पता नहीं विपक्ष कहां से इस तरह के मुद्दे मैन्युफैक्चर करता है, और खासतौर पर वो पार्टियां जो इस वक्त ईवीएम के बलबूते ही सत्ता में मौजूद है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।